देवों के देव महादेव श्री शिव को कल्याणकारी देवता के रूप में सर्वत्र पूजा जाता है। श्रावण माह में शिवलिंग की पूजा अभिषेक अनेक मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ये समस्त जगत लिंगमय है, सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। जो भी व्यक्ति आत्म सिद्धि चाहता है उसे शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सभी देवता, दैत्य, सिद्धगण, पितृ, मुनि, किन्नर आदि लिंग मूर्ति का अर्चन करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सनातन परंपरा में अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा के अलग अलग फल बताए गए हैं, लेकिन सभी प्रकार के शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समस्त कष्ट दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक के जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है एवं भगवान शिव के आशीर्वाद से धन धान्य, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीव इनकी पूजा से अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव महापुराण में दिए गए एक श्लोक, अपह मृत्यु हर काल मृत्यु चौपि विष्णाम सद कलत्र पुत्राधि धन धान्य प्रंद द्विजा के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा से तुरंत ही जो कलत्र पुत्रादि यानी कि घर की पुत्र वधु होती है वो शिव शंभु की कृपा से घर में धन धान्य लेकर आती है। इनकी पूजा इस लोक में सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों से तड़प रहे हैं उन्हें पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए किसी नदी या पवित्र स्थान की मिट्टी को लेकर उसमें गंगाजल, पंचामृत, गाय का गोबर और भस्म मिलाएं। यदि संभव हो तो गंगा नदी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। इसके बाद शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बना लें। ध्यान रहे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह रखकर शिवलिंग बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा भी इन दिशाओं में मुख करके करनी चाहिए। शिवलिंग की ऊंचाई 12 उंगल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजन में जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है एवं भोलेनाथ की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। सावन में शिव भक्ति विशेष महत्व रखती है, अतः सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा अर्चना करना बहुत मंगलकारी माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव की पार्थिव पूजा की थी। मान्यता है कि कलयुग में भगवान शिव का पार्थिव पूजन कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था, जिसके बाद से अभी तक शिव कृपा बरसाने वाली पार्थिव पूजन की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव के पिता सूर्यदेव से ज्यादा पराक्रम पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी।